हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्जाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एएलपी के सेकंड स्टेज में पार्ट ए में, तो दोस्तों उनको कुछ देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 बार्ट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। दोस्तों ये निकालना है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 60 वाट है तो दोस्तों 60 वाट कितनी देर तक चला, 50 आवर तक। तो दोस्तों इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वाट आवर में आएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों अपने को किलोवाट आवर में चाहिए तो दोस्तों इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों ऊपर आ जाएगा कितना, 6530 तो ये आ जाएगा दोस्तों, और अपन में 1000 है तो दोस्तों अब इसको कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 3 किलोवाट पर आवर ये आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों इसमें से कौन सी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है दोस्तों, तो दोस्तों बैटरी है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 m/s² देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 m एज। तो दोस्तों हाइट कितनी थी अपने को, 5 मीटर मास दिया 1 kg और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 m/s². तो दोस्तों अपने को निकालना पोटेंशियल एनर्जी, तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, mgh। दोस्तों अब m की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है, g की वैल्यू दोस्तों इनने कितनी दी है, यहाँ पे 10 दे दी है दोस्तों g की वैल्यू, और h की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पे हाइट कितनी है, 5 है। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 50। तो दोस्तों क्या निकाल रहे हैं अपन, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो दोस्तों आंसर होगा फर्स्ट वाला 50 जूल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड वेव्स इन द ऑडिबल रेंज हैव फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ। तो दोस्तों जो ऑडिबल रेंज की जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने से कितने तक होती है, दोस्तों वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फुल फॉर्म में दोस्तों इसका है। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें दिया है 18 वोल्ट्स इक्वल टू, तो दोस्तों कुछ नहीं है उस बेस है ओम से लगे ऊपर, इक्वल टू RI होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी वैल्यू 18 इधर है तो दोस्तों 18 इक्वल टू में करेंगे तो 18 इधर भी होना चाहिए दोस्तों, इधर कितने से इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो दोस्तों 6 से इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 क्या है दोस्तों यहाँ पे I होगा क्योंकि दोस्तों ओम दिया है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है तो ये तो होगा रेजिस्टेंस। अब दोस्तों I है होगा यहाँ पे तो कितना होगा, 6 एम्पियर, तो दोस्तों आंसर होगा इसका 6 एम्पियर डी वाला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द रेट ऑफ वर्क डन। तो दोस्तों मोमेंटम तो दोस्तों मास इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, और दोस्तों जो पावर होता है दोस्तों वो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। दोस्तों जो वर्क करते हैं पर यूनिट टाइम है उसी को दोस्तों पावर बोलते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दोस्तों इसका आंसर होगा पावर। तो दोस्तों ये भी याद रखना, 1 HP 1 horsepower इक्वल टू 746 वाट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है इसलिए इसको आप याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, दोस्तों वो बोलते हैं हम CPU को, CPU का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों यही जो बेसिक है, जो सभी बेसिक है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यही करता है दोस्तों CPU, वो मोस्ट इसलिए इसको दोस्तों ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये मेन फंक्शन करता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड। तो दोस्तों टोटल कितनी की फंक्शन की होती है दोस्तों कीबोर्ड पर, दोस्तों वो होती हैं 12 होती हैं दोस्तों कीबोर्ड पर, F1 F2 F3 F4 इस तरीके से दी रहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स किस टाइप का डिवाइस है, दोस्तों ये है प्रिंटर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, 10th नंबर, ए जॉय स्टिक इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये जॉय स्टिक किस लिए यूज होती है, दोस्तों ये प्राइमरली यूज होती है दोस्तों किस लिए, कंप्यूटर गेमिंग में, जो वीडियो गेम्स वगैरह है दोस्तों उसमें यूज़ होती है कंप्यूटर में।
उसके दोस्तों नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, द लेंथ बर्थ्स लेंथ और जो ब्रेथ का रेशियो इन केस ऑफ एरो हेड, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों होता है ना उसमें, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी टॉपिक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसी से लिया है दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होता है एरो हेड में, तो दोस्तों इस तरीके से होता है ना दोस्तों वो एरो, तो दोस्तों इसमें जैसे कि इस तरीके से बनाए, तो दोस्तों इसमें इसमें बताना आपको लेंथ और जो ब्रेथ का रेशियो था वो कितना होता दोस्तों, दोस्तों इसकी ये हो गई दोस्तों लेंथ और ये हो गई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ हो गई, दोस्तों इसका रेशियो होता है दोस्तों 3/1, जो लेंथ होगी वो तो अगर लेंथ 3 होगी तो दोस्तों ब्रेथ 1 होगी, और इसी का दुगना करते हैं 2 का इंटू करते हैं 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो दोस्तों अगर लेंथ 6 होगी, मान लो ये 6 होगी, ये डी, ये एल अगर 6 होगी तो ये ब्रेथ कितनी होगी 2, मतलब रेशियो के हिसाब से चलेगी, अगर ये होगा लेंथ 6 तो ब्रेथ 2, तो दोस्तों याद रखना ये रेशियो होता है 3:1 लेंथ बढ़ते वर्सेस ब्रेथ का इन केस ऑफ एरो हेड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है द डोटेड लाइंस रिप्रेजेंट, तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डोटेड लाइंस जो होती हैं किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, इस तरीके से होती है ना दोस्तों डोटेड लाइंस, तो दोस्तों ये यूज़ करते हैं हम दोस्तों जो हिडन एजों को दिखाने के लिए, दोस्तों जो अपने को जो व्यू में दिखता नहीं है दोस्तों, जो दोस्तों उसको दिखाने के लिए हिडन एज जो ये लाइंस है डोटेड लाइंस इनका यूज़ करते हैं हिडन एज को दिखाने के लिए, डोटेड लाइंस जो होती है ना दोस्तों वो रिप्रेजेंट करती है हिडन एज को, इस तरीके की ये यूज़ करते हैं दोस्तों, ये डोटेड लाइंस रिप्रेजेंट करती है हिडन एज को दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये सेंटर लाइन भी वहाँ पे एक होती है दोस्तों एक्सिस लाइन सेंटर लाइन, उसको कैसे होता है दोस्तों वो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, इस तरीके से वो सेंटर है और एक्सिस लाइन होती है, और दोस्तों एक होती है कॉन्टीन्यूअस थिक लाइन, तो दोस्तों वो इस तरीके से होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है विच टूल कैन बी यूज टू ड्रा 90° एंगल, तो दोस्तों इसमें से क्या आंसर होगा, तो दोस्तों ये ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि दोस्तों ड्राफ्टिंग मशीन भी 90° एंगल बनाने में हेल्प करती है, प्रोटेक्टर मीन्स चांद वो भी करता है, 30-60 ट्रायंगल वो भी यूज़ करते हैं 90° एंगल बनाने में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है विच हैज़ द मोस्ट मास, दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा मास है दोस्तों सी अर्थ का, 5.97 × 10^24 kg ये मास है दोस्तों अर्थ का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 630 केल्विन, दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू, तो दोस्तों सेल्सियस में अपने को निकालना है, केल्विन में दिया दोस्तों, तो दोस्तों केल्विन में यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, केल्विन में दिया दोस्तों 273 प्लस सेल्सियस में निकालना है दोस्तों, सेल्सियस में इस तरीके से निकालना है, ये हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों अगर किसी भी मान लो अगर किसी भी डिग्री को अपने को केल्विन में निकालना है तो 273 प्लस वो सॉरी दोस्तों किसी को भी अगर केल्विन में निकालना है तो दोस्तों 273 और जो भी डिग्री में दिया होगा दोस्तों उसको प्लस कर देंगे तो केल्विन में निकल जाएगा, तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने ये लिख दिया, तो दोस्तों आप ये लिख दिया, अब डिग्री में निकालना है आप अपने को केल्विन में ये दिया है दोस्तों, अब इस साइड जाएगा 273 तो दोस्तों आंसर आएगा 357° सेल्सियस ये आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैंने लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना था।